मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही डिलिशियस आलू की रेसिपीज। इन रेसिपीज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा अगारो ग्रैंड 40 लीटर्स ओटीजी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शेजवान पोटैटो वेजेस। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के आलू। आप रेसिपी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा आलू यूज कर सकते हैं। आलू को मैंने अच्छे से पहले धो लिया है, अब इसे मैं वेजेस के शेप में कट कर रही हूँ। तो बस नाइफ को एक एंगल पे पकड़े ताकि वेजेस के शेप इस तरह से बन जाए। स्किन के साथ पोटैटो वेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। बेक पोटैटो वेजेस हो या फिर डीप फ्राइड हो, ये स्किन क्रिस्पी हो जाती है और एक शेप भी देती है। तो इसे मैंने पानी में रखा है ताकि ये काले ना पड़े। अब इमीडिएटली हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो एक बड़े बर्तन में आप पानी में उबाल आने दें और डालें लगभग 1 टीस्पून नमक। ये 1 टीस्पून नमक है पर पूरा का पूरा आलू में नहीं उतरेगा, पानी वैसे भी हम यूज नहीं करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा नमक यहाँ पर हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप बॉईल करें 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और उसके बाद इमीडिएटली आलू को आप निकाल लें और एक छलनी में डालें ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। छानने के बाद इन्हें थोड़ा सा फैला कर रखें ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाए। तो आलू यहाँ पर पूरी तरह पके नहीं है, हल्के से पके हुए हैं, अंदर ये अभी भी कच्चे हैं और ऐसे ही हमें पोटैटो वेजेस के लिए चाहिए। नेक्स्ट एक बोल में ले 2 से 3 टीस्पून शेजवान चटनी और साथ में तेल। अब शेजवान चटनी आप होममेड यूज कर सकते हैं, मैं रेडीमेड यूज कर रही हूँ। काफी स्पाइसी होती है, आप चाहें तो थोड़ी सी चटनी की जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ऑयल और चटनी दोनों को अच्छे से मिला लें। आपके पास जो शेजवान चटनी है अगर वो ज्यादा ऑयली है तो आपको अलग से ऑयल डालने की भी जरूरत नहीं है। अब पोटैटो वेजेस को इस मिक्सचर में डालें और एक चम्मच से हल्के हाथ से या फिर अपने हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ, मैंने टेस्ट करके देखा और मेरे हिसाब से थोड़ा नमक चाहिए, तो आप भी टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले यानी शेजवान चटनी से अच्छी कोटिंग होने के बाद थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए 2 से 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। तो थोड़ा एक समय पर डालें और ऐसे टॉस करें। टॉस करेंगे तो जो कॉर्नफ्लावर है अच्छे से आलू पर लग जाएगा, ज्यादा आपको इस पर हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाथ लगाएंगे तो बहुत सारा कॉर्नफ्लावर आपके हाथ पर भी लग सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं और डाल रही हूँ। एक पतली सी लेयर आनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं चाहिए हमें कॉर्नफ्लावर की। तो ये पोटैटो वेजेस हमारे रेडी है। इन्हें आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं पर मैं करने वाली हूँ इन्हें बेक। मैंने अपनी ओवन की ट्रे पर लगा लिया है पार्चमेंट पेपर। इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इससे सफाई जो है बाद में ट्रे की वो आसान हो जाती है। अब आप पोटैटो वेजेस को इस शीट पर रखते सीधा रख सकते हैं, आड़ा रख सकते हैं। मेरा सजेशन है कि जो स्किन वाली साइड है वो आप साइड वेज रख देंगे तो ज़्यादा वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये सारे पोटैटो वेजेस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हल्का सा आप एक ऑयल बॉटल स्प्रे से इस पर ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, ये स्टेप ऑप्शनल है। अब इसे मैं बेक करने वाली हूँ अपनी ओटीजी में। बेकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो ग्रैंड 40 लीटर ओटीजी। इसमें आते हैं 3 डिफरेंट नॉब्स, टेम्परेचर सेट करने के लिए, फंक्शन के लिए और टाइमर के लिए। सबसे पहला है फंक्शन नॉब, नेक्स्ट है टेम्परेचर नॉब और थर्ड है टाइमर नॉब। इन सब की वजह से आपको अपनी बेकिंग पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट और अब मैं इन पोटैटो वेजेस को बेक करने वाली हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। जब भी आप बेक कर रहे हैं, आपके पोटैटो वेजेस अगर पतले हैं तो कम टाइम लग सकता है, मोटे हैं तो ज़्यादा। तो ध्यान रहे, अगर आपको लग रहा है कि 5-10 मिनट और बेक करना है तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ये पोटैटो वेजेस बन गए हैं, बाहर से हल्के हल्के क्रिस्प और अंदर एकदम सॉफ्ट। इनमें बहुत ही बढ़िया शेजवान चटनी का फ्लेवर आ जाता है, तो आपको अलग से शेजवान चटनी या टोमेटो केचप की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहें तो परोस सकते हैं। आप इसके साथ मेयो भी परोस सकते हैं। अगर आप इन्हें गर्मा गर्म परोसेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलिए अब बनाते हैं पोटैटो पिज्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू इस तरह से उबालें कि वो बहुत ज़्यादा गले ना। ज़्यादा अगर आलू गल जाएं तो आपको उन्हें कट करके स्कूप करने में दिक्कत आएगी, वो टूट के बिखर सकते हैं। स्किन को नहीं निकालें, स्किन की वजह से इनका शेप बना रहेगा। अब बीच का जो हिस्सा है वो आप इस तरह के फ्रूट स्कूप से या फिर किसी छोटे तेज़ चम्मच से, तेज़ का मतलब जिनकी जो किनारे हैं ज़रा पतली हो, ऐसा चम्मच यूज़ करेंगे तो आपको आलू स्कूप करने में आसानी होगी। तो बीच का जो आलू है इसे निकाल लें, एक बोल में इकट्ठा कर लें। इसी तरह से आप बाकी के आलू को भी स्कूप कर लें।
अब स्कूप करने के बाद जो बचा हुआ आलू है, इसे हम वापस से इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे, पर आलू है, इसके यूजेस अनेक हैं। आप इसे पराठे में, सब्जी में, किसी भी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्कूप किया हुआ आलू, जिसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब इन आलू को भी मैंने अपनी बेकिंग ट्रे पर रख दिया है एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करें, वरना आलू का जो ये बेस है, ये बेस्वाद लग सकता है। फिलिंग के लिए मेरे पास है ये टोमेटो केचप 1/4 कप है। आप चाहें तो होममेड पिज्ज़ा सॉस या फिर रेडीमेड पिज्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और पिज़्ज़ा सीजनिंग या पास्ता सीजनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये हो गया हमारा झटपट पिज़्ज़ा सॉस। इसमें अगर आप और तीखापन ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी शेजवान चटनी मिला सकते हैं। तो ये सॉस रेडी है, चलिए अब असेंबल करते हैं पोटैटो पिज़्ज़ा। पोटैटो कप्स में आप पहले डाल दें सॉस और फिर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। आप ज़्यादा अच्छे से सॉस डालें, क्योंकि जो पोटैटो का बेस है उसमें भी एक टेस्ट आना चाहिए। कम सॉस लगाएंगे तो काफ़ी बेस फीका फीका लग सकता है। ऊपर तक सॉस को लगाएं ताकि आलू जो है, सारे जो सॉस के फ्लेवर्स है उसे अब्सॉर्ब कर लें। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज डाल सकते हैं या फिर कोई भी और आपकी फेवरेट पिज़्ज़ा स्टफिंग। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो चीज़ अगर आप डालते हैं तो हल्का सा प्रेस करें। यहाँ पर आप मोज़रेला नहीं है तो नॉर्मल प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अब मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, टॉपिंग्स तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा सॉस ऊपर से और स्वीट कॉर्न से थोड़ा सा डेकोरेशन। यहाँ पर आप ऑलिव भी डाल सकते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें बेक करने के लिए मैंने अपने OTG को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर, और अब मैं इन्हें बेक करूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट से भी एक दो ऊपर मिनट अगर आपको रखना है आप रख सकते हैं, जब तक कि चीज़ ना मेल्ट हो जाए। तो 12 मिनट यहाँ पर मैंने रखा और ये पोटैटो रेडी है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और अच्छा खासा गर्म ये पोटैटो हो गया है, ये उठाया नहीं जा रहा है। तो आप ज़रा 2 मिनट रुक कर इसे सर्व कर सकते हैं या फिर किसी कड़ची से उठा कर इसे सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से मैं डाल रही हूँ धनिया, एक अच्छा कलर भी ऐड हो जाता है। अगर आप कोई पार्टी स्टार्टर बना रहे हैं, बच्चों के लिए अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है, तो बिना कोई आटे या मैदे का डो बनाए आप इस तरह से पोटैटो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग रेसिपी है, दिखने में अच्छी है और झटपट बन भी जाती है। अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।